आईपीएल नीलामी 2022 में कुछ गहन बोली लगाई गई क्योंकि टीमों ने अपने अपने दस्तों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से इकट्ठा किया। कुछ सबसे बड़े नाम हथौड़े के नीचे चले गए जिनमें कुछ आश्चर्यजनक देखे गए। ईशान किशन आईपीएल नीलामी 2022 के सबसे महंगी खरीदी थी जिनमें मुंबई इंडियंस ने विकेट कीपर बल्लेबाज के लिए 15.25 करोड़ रुपए खर्च की। कुल 204 खिलाड़ी बिके और 10 फ्रेंचाइजी ने 551.70 करोड़ रुपए खर्च की। हालांकि कुछ बड़े नाम ऐसे भी थे जिन्हें आईपीएल नीलामी में कोई भी लेने वाला नहीं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लेयर के बारे में जिनको 2022 के आईपीएल में किसी ने नहीं खरीदा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। प्लेयर नंबर 10, दबरेश शमी। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर ने भारत के खिलाफ वनडे में दिखाया कि वो क्या क्या करने में सक्षम है। T20 प्रारूप में शमी दूसरे क्रम के गेंदबाज है लेकिन उनकी साथ बावजूद टीमों ने आश्चर्यजनक रूप से उनमें रुचि दिखाई। प्लेयर नंबर 9, क्रिस लिन। ऑस्ट्रेलिया के सामने आए सबसे क्रूर हिटरों में से एक लिन आईपीएल में अपने बीबीएल कारनामों को दोहराने में विफल रहे। उन्हें मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2021 सीजन में पहले 2 करोड़ रुपए के आधार मूल्य में चुना था लेकिन उन्हें सिर्फ एक मैच खेलने को मिला। हालांकि उन्होंने 140 की स्ट्राइक रेट से 49 रन बनाकर प्रभावित किए। निश्चित रूप से टीमों में से कोई एक मौका ले सकता था और खुद को एक विस्फोटक शीर्षक का बल्लेबाज बना सकता था लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं था। प्लेयर नंबर 8, इयान मॉर्गन। इंग्लैंड के सफेद गेंद के कप्तान ने आईपीएल 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स को फाइनल में पहुंचाया था जहां वो चेन्नई सुपर किंग्स से हार गए थे। केकेआर के फाइनल में शानदार प्रदर्शन के बावजूद मॉर्गन ने खुद बल्ले से बहुत बुरा समय बिताया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 17 मैचों में से 11.8 की औसत से सिर्फ 133 रन बनाए। 2021 में उनके संघर्ष ने शायद उनके स्पष्ट नेतृत्व कौशल के बावजूद उन्हें खरीदारों के खिलाफ निर्णय लेने वाली टीमों में एक लंबा रास्ता तय किया। प्लेयर नंबर 7, डेविड मल। ICC रैंकिंग के अनुसार T20 में अंग्रेज शीर्ष बल्लेबाज थे लेकिन हाल ही के दिनों में लगातार नीचे गिरते रहे। वर्तमान में ICC के T20 रैंकिंग में 5वें स्थान पर है और हाल ही के दिनों में अपने उच्च मानकों के विफल रहे। वो पिछले सीजन में काफी धूमधाम से पंजाब किंग्स में शामिल हुए थे लेकिन उन्हें एक अकेला खेल खेलना पड़ा जिसमें उन्होंने 26 रन बनाए थे। प्लेयर नंबर 6, एरॉन फिंच। ऑस्ट्रेलिया के सफेद गेंद के कप्तान ने आईपीएल में अपनी प्रतिभा की झलक दिखाई है लेकिन लगातार अच्छे प्रदर्शन करने में असमर्थ रहे। फिंच ने 2020 में RCB के लिए खेला था जहां उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। 12 मैचों में 268 रन बनाए थे लेकिन उन्होंने आईपीएल 2021 की नीलामी से पहले ही रिलीज कर दिया था कि जहां वो अनसोल्ड है। प्लेयर नंबर 5, इमरान ताहिर। दक्षिण अफ्रीका के इस दिग्गज स्पिनर की उम्र 42 साल है। उनका 2 करोड़ रुपए का बेस्ट प्राइस नीलामी में कोई खरीद नहीं मिलने का कारण हो सकता है। पिछले साल ताहिर को चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला था जिसमें उन्होंने 4 के इकोनॉमिक सेट से 2 विकेट लिए थे। प्लेयर नंबर 4, आदित्य राशिद। इंग्लैंड के लेगी ने वर्षों में बहुत अच्छा नियंत्रण दिखाया है और वर्तमान में खेल के सबसे छोटे प्रारूप में शीर्ष गेंदबाजों में से एक। आदिल राशिद ICC की T20 खिलाड़ियों की रैंकिंग में 3रे स्थान पर है लेकिन ये तथ्य बहरों कानों पर पड़ा क्योंकि फ्रेंचाइज ने उन्हें ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया था। प्लेयर नंबर 3, शाकिब अल हसन। ऑलराउंडर के लिए ICC की ODI रैंकिंग में अस्थिर बांग्लादेश स्टार सबसे ऊपर और ICC T20 रैंकिंग में 2रे स्थान पर है। हालांकि बल्ले और गेंद दोनों के साथ उनके कौशल्य के बावजूद किसी भी टीम ने शाकिब के लिए बोली नहीं लगाई। आईपीएल 2021 में उनके खराब आउटिंग ने शायद उनके खिलाफ काम किया। केकेआर के लिए खेलते हुए शाकिब ने 8 मैचों में सिर्फ 47 रन बनाए और सिर्फ 4 विकेट लेने में सफल रहे। प्लेयर नंबर 2, स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया रन मशीन को आश्चर्यजनक रूप से आईपीएल नीलामी 2022 में कोई लेने वाला नहीं मिला। दिल्ली के राजस्थानियों के लिए खेलते हुए उनका 2021 में एक मिश्रित टूर्नामेंट था। स्मिथ ने 8 मैचों में 25.33 के औसत से और 112.49 के स्ट्राइक रेट से 152 रन बनाए थे। उनका समग्र अनुभव कुछ टीमों में काम आ सकता था लेकिन किसी ने भी उन पर टिप्पणी करने का फैसला नहीं बनाया। प्लेयर नंबर 1, सुरेश रैना। बाएं हाथ के बल्लेबाज आईपीएल में सर्वकालीन रन बनाने वालों की सूची में 4थे स्थान पर बैठता है। उन्होंने 205 मैच खेले हैं और 32.51 के औसत से 5,528 रन बनाए हैं। रैना रन बनाने वाले की सूची में केवल विराट कोहली, शिखर धवन और रोहित शर्मा के पीछे हैं और संयोग से उनका औसत रोहित शर्मा से बेहतर और सूची में उनके ऊपर के तीनों खिलाड़ियों की तुलना में बेहतर स्ट्राइक रेट भी है। 35 साल की उम्र में भी रैना अभी भी अच्छी स्थिति में है लेकिन उनके 2 करोड़ रुपए के बेस्ट प्राइस कुछ टीमों को डरा दिया होगा।
इसके अलावा रैना ने 2021 सीजन में बड़े समय के लिए संघर्ष किया। 12 मैचों में 17.77 की औसत से सिर्फ 160 रन बनाए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे वीडियो हम के लिए लाते रहें।